ये अवसरवादी लोग पहले चले जाते ठीक रहता, 17 साल तक इनको पदों पे रखा है, मेंबर पार्लियामेंट रखा है, केंद्रीय मंत्री बनाया है, और मौका आने पर मौका परिस्थिति दिखाई है, इनको जनता माफ नहीं करेगी। पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा मुल्क इनको समय आने पर सबक सिखाएगा। और जो MLA आ रहे हैं यहाँ पर जयपुर के अंदर, आप सोच सकते हो कि किस प्रकार होस्टेडिंग के प्रयास हो रहे हैं वहाँ पर, किस प्रकार गुंडागिर्दी हो रही है, किस प्रकार डराया धमकाया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा गया है जो ये लोग कर रहे हैं, जो सत्ता बैठे हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग सब मिलकर एकजुट हैं और इनको सबक सिखाएंगे, मैं कह सकता हूँ। ज्योतिरादित्य ने वो कदम उठाया उसके बारे में क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य ने जो कदम उठाया उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अवसरवादी लोग पहले चले जाते ठीक रहता, 17 साल तक इनको पदों पे रखा है, मेंबर पार्लियामेंट रखा है, केंद्रीय मंत्री बनाया है, और मौका आने पर मौका परिस्थिति दिखाई है, इनको जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी हमेशा जोर तोड़ का खेल खेलती है, उन्होंने एक और चाल खेली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी सेफ है, और पूरी उम्मीद है कि जो हमारे विधायक बेंगलोर में कैद किए गए हैं वो जल्द से जल्द कांग्रेस में वापस आएंगे। उनको तो धोखे से कर्नाटक ले जाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा सिंधिया और सिंधिया परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रभात झा ने जमीनों के उनके जितने आवंटन है और उनका कब्जा है उस पर सवाल खड़ा किया। हमेशा नरेंद्र मोदी पर सिंधिया जी ने सवाल खड़े किए। लोकतंत्र को सब मिलकर सिद्धांतों की गला घोटने के साथ इन्होंने जो कृत किया, मेरा कांग्रेस का विधायक कहीं बैठा हो जिसने पंजे पे चुनाव लड़के आया, जिसको लोगों ने वोट दिया कांग्रेस की विचारधारा का, और इसलिए कि मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है, किसानों का कर्जा माफ करना है, उन्होंने इसलिए दिया कि हमें मध्य प्रदेश के उन हितों को जिस पर हमें जिसको चुन के आए उसको चुनना है, वो विचार कर रहा है, वो संपर्क में है, 100% कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा था है और रहेगा। 119 विधायक जो वहाँ गए हैं और जो परिवार के लोग हमारे साथ हैं, जिनने कमलनाथ सरकार का साथ दिया था, और मैंने बार बार कहा भारतीय जनता पार्टी कितना घुमाए अपने विधायकों को, डर तो उन्हें लगा। तो इसका मतलब है कि कमलनाथ सरकार अड़िग है, स्थिर है, हर हालत में 100% फिर शपथ लेगी।